सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके माय आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल के आइकन पर ताकि आप आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन पा सकें। वीडियो में मैं आपको बोट नेक डिजाइन बनाना बता रही हूँ। तो ये मैंने देखिए डबल करके बुकरम ली हुई है और जो डबल करके इसकी चौड़ाई है वो 5.5 इंच है और इसकी लंबाई 10 इंच है। देखिए सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो बोट नेक की चौड़ाई हम 4.5 इंच रखते हैं और जो इसकी गहराई है वो हम 3.5 इंच रखेंगे। एक निशान यहाँ पर 3.5 इंच पर लगाएंगे और इनको हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। देखिए ये गोलाई देने के बाद हम सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे। देखिए ये कटिंग करने के बाद हम यहाँ से करीब 1/2 या 1.25 इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगाएंगे। पूरे गले पर हमें ये निशान लगाना है। देखिए ये निशान लगाने के बाद ये हमारा सेंटर का निशान है, ये हमारा बीच का निशान है और यहाँ से इस जगह से करीब 5.5 इंच की दूरी पर हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और जो हमने देखिए 5.5 इंच पर निशान लगाया है यहाँ से हम इस तरह से शेप देते हुए लाएंगे। और यहाँ पर इस तरह मिलाएंगे, ये यहाँ से इस तरह से। और देखिए पीछे के हिस्से की कटिंग हम किस तरह से करेंगे। आप पीछे का अपना कुर्ती का हिस्सा लीजिए जिस पर भी आप ये बोट नेक बना रहे हैं और उसको बीच में से फोल्ड करिए इस तरह से। और जो हमारी बुकरम की कटिंग है इस तरह रख के डबल करके इस तरह निशान लगाइए एक, और फिर उसको देखिए यहाँ से नहीं काटना है, थोड़े से ऊपर से काटना है क्योंकि ये इतना हिस्सा हमारा सिलाई में जाएगा इस तरह से। और देखिए उसके बाद हम इस डिजाइन की कटिंग कर देंगे बिल्कुल इसी शेप में। और देखिए हमारा ये डिजाइन कुछ इस तरह से कटता है। और इसके बाद देखिए जो कपड़ा हमें लगाना है उस पर हम ये रखेंगे। अगर पेस्टिंग वाली बुकरम है तो आप प्रेस से उसको चिपका लीजिए और अगर पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप थोड़ी थोड़ी इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाइए और एक सिलाई यहाँ पर लगा दीजिए। देखिए इसको मैंने प्रेस से चिपका लिया है और अब थोड़ा बाहर बाहर से हम चारों तरफ से इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। देखिए ये इस तरह से कटिंग करने के बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे, ये हमारा फिर आसानी से मुड़ जाएगा, और एक कट हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए इसके बाद हम सुई से इसको अंदर को इस तरह से मोड़ के कच्चा कर लेते हैं तो इस पर हमारी बहुत ज़्यादा सफाई आएगी। तो पहले आप इस पर इस तरह से कच्चा कर लीजिए चारों तरफ इसके। और देखिए ये हमारा इस तरह से कच्चा हो जाता है और उसके बाद हम उसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और बीच के सेंटर में इस तरह से निशान लगाते हैं एक, और यहाँ पर एक कट का निशान लगाएंगे। और उसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको उल्टी तरफ से बीच में से फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर भी हम बिल्कुल बीच में इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक कट का निशान लगाएंगे। और देखिए इन दोनों कट के निशान को मिलाते हुए और ये लाइन मिलाते हुए इस तरह से रख के यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे। देखिए बीच में सिलाई लगाने के बाद हम केवल इस गोलाई पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर में हमें सिलाई लगानी है। देखिए हमने केवल ऊपर सिलाई लगाई है यहाँ पर और फिर हम
थोड़ा बाहर बाहर से इसकी कटिंग कर देंगे और बीच बीच में इस तरह से कट के निशान लगाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई ना कटे। और इसके बाद हम इसको सीधी तरफ को पलटते हैं इस तरह से। और देखिए इसके बाद हम करीब 1.25 इंच या 2 इंच की एक और एक पट्टी काटते हैं चौड़ाई में। और देखिए उसके बाद हम और एक पट्टी को बीच में से फोल्ड करते हैं और गले पर लगाएंगे हम उसको इस तरह से। थोड़ा थोड़ा हमें दबाना है और पट्टी को ज़्यादा खींचना नहीं है, नॉर्मल रखना है बिल्कुल इस तरह से। देखिए ये और एक पट्टी इस तरह से लगाने के बाद हम इसको अंदर को इस तरह से ऐसे फोल्ड करते हैं और बिल्कुल पाइपिंग के बराबर बराबर में यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से देखिए हम सिलाई लगाते चले जाएंगे पूरे गले पर पाइपिंग के बिल्कुल बराबर बराबर में। देखिए ये पाइपिंग लगाने के बाद हम अपने डिज़ाइन को बिल्कुल इस तरह से सीधा करते हैं और चौक से इस तरह से निशान लगाएंगे डिज़ाइन के बिल्कुल बराबर बराबर में, ताकि हमें आइडिया रहे कि हमें कहाँ पर सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। देखिए मैंने डोरी बनाई हुई है, हमें इस तरह से डोरी बनानी है और उसके बाद हमें छोटे छोटे उसके पीस करने हैं, करीब 1.5-2 इंच के इस तरह से हमें छोटे छोटे पीस करने हैं। इस तरह से। और देखिए इसके बाद हमने जो छोटे छोटे पीस बनाए हुए हैं डोरी के, इस तरह से हम इनको अंदर रखेंगे। थोड़ी सी जगह यहाँ पर छोड़ देंगे हम तीरे की सिलाई के लिए और थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से रखते जाएंगे अंदर और इनके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। देखिए थोड़ी सी सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे और ये मैंने अंदर डोरी रखी हुई है इस तरह से, इस पर हम सिलाई लगाएंगे और फिर हम थोड़ी सी दूरी पर दूसरी डोरी रखेंगे इस तरह से और फिर उस पर सिलाई लगाएंगे। और ऐसे ही हम लगातार डोरी रखते जाएंगे पूरे गले पर, हमें इसी तरह से डोरियां लगानी है। देखिए ये पूरे गले पर मैंने ये लूपियां लगा दी हैं और जो मैंने निशान लगाए थे वो उन्हीं निशानों के बराबर बराबर में रखते हुए तब ये लूपी मैंने लगाई है। देखिए ये एक डोरी और मैंने बनाई हुई है और इसको देखिए सेफ्टी पिन के अंदर इस तरह से मैंने डाला हुआ है और इनको एक एक लूपी के अंदर से इस तरह से हमें ये डोरी निकालनी है। पूरे गले पर इस तरह से ही हमें डोरी निकालनी है। देखिए ये इस तरह से मैंने डोरी डाल दी है और दोनों साइड से डोरी मैंने यहाँ पर इसमें सिलाई लगा दी है, इधर भी और इधर भी, और उसके बाद ये तीरे के साथ सिल जाएगी। देखिए इस तरह से ये हमारा गला तैयार हो गया है और मैंने ये बटन बनाकर इस पर लगाए हैं। और अगर आपको ये बटन बनाने नहीं आते हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली हुई है जिसमें ये बटन बनाने और लगाने मैंने बताए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।